तो क्या हाल है मेरी फैमिली वालों। तो हार्दिक अभिनंदन है आपका दिलजीत जसपुर वाला पे। तो आज एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है। बताऊँ क्या, मैं आपको आज चिमनी दिखाने वाला हूँ, जिसका कि पहला तो नाम है चिमनी और दूसरा उसे कह देते हैं अपनी भाषा में भट्टा। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यार चौके कैसे बनते हैं। ना जो चिमनी होती है ना काफ़ी लंबी, भाई कुतुब मीनार की तरह उसके अंदर जाएंगे हम करेंगे। लेकिन यार एक दिक्कत है, मैं जब अभी गया था ना वहाँ पे चिमनी में, तो वहाँ जो है ना मतलब पहले परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो भट्टा है भाई, आग वाग होगी अगर बन गए तो मर जाएंगे यार। तो वो जो है अभी बन नहीं है, तो मैं आपको खाली चिमनी दिखा दूंगा चौके वगैरह। उसके लिए मैं आपको जो पहली बनी हुई है चिमनी, जो अंदर जाने का रास्ता नहीं है बाहर से, तो वो आपको मैं अगली वाली चिमनी पर दिखा देता हूँ। फिलहाल हम चलते हैं चिमनी यानी कि भट्टा देखने कि यार कैसे चौके बनते हैं और अंदर जाकर कितनी चौड़ी होती है और कितनी लंबी होती है। भाई मज़ा आने वाला है, चक्कर आने वाले हैं, वैसे बैठना आराम से क्योंकि चक्कर भी आने वाले हैं भाई, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मज़ा तो आने ही वाला है, तो चलो चलो फिर तो चलो। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उसके अंदर जाने वाले हैं, अभी देखते हैं क्योंकि वो अभी बन रही है। अभी हम देखते हैं उसके अंदर चल के, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पहुँच चुका हूँ चिमनी के पास, फिलहाल चलते हैं अंदर। हाँ ये तो गाइस यहाँ देखो हम, तो अभी हम यहाँ उतर चुके, बड़ा मजा आने वाला है मेरी फैमिली वालों, बहुत ही मजा आने वाला है। मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हम इसके ऊपर चढ़ गए तो क्या होगा भाई, मैं पहली बार देख रहा हूँ यार, कसम से यार पहली बार, कितना शानदार नजारा है यार इसका, ये देखिए तेरी तो वाह यार, कुछ नजारा है इसका। और फिलहाल यहाँ पे देखिए ये छोटी छोटी चीज यहाँ पे चौके बना कर यार, एक एक ईंट रखकर ये बनाई जाती है। देखिए एक एक ईंट रखकर भाई यार ऊपर देखने में, मैं आप बोल के दिखाता हूँ एक बार, चलो। हेलो गाइस, हेलो, ये देखो मतलब गूंज रही है वहाँ, बहुत ही लंबी है यार ये, पता नहीं कितनी लंबी है, वो भी मैं अभी पूछूंगा कितनी लंबी है। फिलहाल यार भाई इसको बनाने में यार बहुत मेहनत लगी होगी, तो यार ये लगाओ, मैं नीचे दिखाता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ के ना सिर्फ इसके मिट्टी है, गोल राउंड करके बनाई गई है ये देखिए मिट्टी है, लेकिन यार देखने में इसको बड़ा मजा आ रहा है। अब लगा लो जब चौके बनते हैं, तो भाई अभी तो मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन जब अगर ये बन जाएगी ना तो चारों तरफ से बंद हो जाएगा, जैसा सेकते हैं ना चूल्हे पर रोटी रख के, ऐसे ही बार बार चौके रखे जाते हैं मिट्टी के, तब चौके बनते हैं। ईंट जो बनती है इसके अंदर नहीं आ सकते, अलाउड भी नहीं है। मैंने दो चिमनियों पर पूछी जहाँ पे आपको मैं लेके जाऊँगा, वहाँ अलाउड ही नहीं है, मना कर देंगे भाई, मरेगा क्या, आपको दिखाऊँगा मैं। फिलहाल ये देखिए मैंने आपको ये सब कुछ दिखाया चिमनी के अंदर तक का, अभी थोड़ा थोड़ा बहुत बाहर का दिखाऊँगा, फिर चलेंगे दूसरी वाली चिमनी जो बंद है, वहाँ पर मैं आपको चौके वगैरह दिखाऊँगा। फिलहाल अभी मैं बाहर से भी दिखाता हूँ आपको, बड़ा मन था मेरा यहाँ यहाँ देखने का। आइए बाहर आ जाइए, और फिलहाल कितने फिट है वो भी हम पूछ लेते हैं। मैं कह रही अंकल कितनी लंबी होगी, कितनी लंबी होगी हो? यो फिट में कितनी लंबी होगी? 120 फिट। तो यार 120 फिट इतनी लंबी, और हम इसके अंदर गए थे क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है, और यहाँ पे भाई यार विश्वास मानना कसम से यार अंदर जाने नहीं मिलते, बंदा भुन जाता है अगर जो पुरानी वाली चिमनी होती है, जा नहीं सकता इसके अंदर। फिलहाल हम लाओ 120 फीट की है यार, इतनी लंबी है। फिलहाल हम अंदर गए थे, वहाँ पे हमने आपको दिखाया, और जो कैसे बनते हैं वो भी मैं चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा, वो भी दूसरी वाली चिमनी है, वहाँ चलते हैं। यहाँ तो वहाँ परमिशन अंदर जाने की है नहीं क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा है, कैसे चौके बनते हैं वो दिखाता हूँ। फिलहाल मैंने ये आपको चिमनी दिखाई, तो देख लेते हैं अभी बाहर का पोर्शन, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है 120 फीट की यार, ये देखिए, अरे बाप रे चिमनी 120 फीट की भाई, ये देखिए चौके वहाँ जाके भुनते हैं, वहाँ पे जाके देखो जो मजदूर है काम कर रहे हैं, कितनी लंबी है, इसके आसपास तो कोई भटक ही नहीं सकता, वहाँ चौके रखेंगे तब जाके चौके भुनेंगे, इसके अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता भाई। लाल वहाँ चलते हैं और चौके वगैरह उसको देखेंगे। ओ पत्थर का कोयला ये होता है, मैं पहली बार देख रहा हूँ मेरी फैमिली वालों, पहली बार। वे यार देखिए यार पत्थर कोयला, तो इतने सारा ये कोयला है, ये भट्टे में डलता है तो इससे जलती है आग, और मैं और चीज़ में आपको दिखाता हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बने रहिए बस मेरी फैमिली वालों। हम यहाँ पहुँच चुके हैं दूसरे भट्टे पे, देखिए कितना ऊँचा है। तो यहाँ हम भट्टे के पास पहुँच चुके हैं, वहाँ पर तो आपको सब साफ ही साफ दिख रहा था, क्यों? क्योंकि वहाँ बन रहा था, अब ये बना हुआ है, इसकी साफ़ सफाई हो रही है, ये हट रहा है, दोबारा से फिर चौके लगे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ
कि चौके कैसे बनते हैं और कहाँ तक आँच आती है इसकी, और अंदर जाना अलाउड नहीं, यहाँ तो जाने नहीं देते, वहाँ तो बन रहा है तो चला गया मैं। ये वाली जो ईंट है ये यार बताओ, नहीं यार इसको मैं तोड़ नहीं सकता क्योंकि ये पक्का चौका है। ये जो चौका है ना, ये जो चौका है ये इतनी बड़ी चिमनी में बनते हैं इतने सारे चौके। देखो कितनी ऊंची चिमनी है ये पुरानी है क्योंकि सफाई, कुछ टाइम ऐसा होता है जब चौके बने हुए रहते हैं तो उसके बाद सफाई होती है, मिस्त्री आते हैं बाहर से काम करने, तो यहाँ अब सफाई हो रही है, उसके बाद से फिर दोबारा बनेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सब कुछ, ये देखिए इसके जैसा भूल भुलैया होती ना, ये सब कुछ, ये देखिए यहाँ तक, ये देखिए वहाँ तक कितना लंबा है, जैसे मतलब एक टाइम तो यार जैसे भूल भुलैया होती है ना, वो सब कुछ है यहाँ पे। भाई मैं ऊपर से भी आपको दिखाऊंगा, और ये सब कुछ बंद है और अंदर नहीं जा सकते इसके जाने, पहली बात तो खुला हुआ ही नहीं है, सफाई अभी हो रही है, टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ अंदर जाने नहीं देंगे। और ये जो है ऊपर से चढ़ के दिखाता हूँ, चौके दिखाता हूँ कैसे रखे हुए हैं, आइए मेरे साथ चलिए। हम यहाँ ऊपर चढ़ चुके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि चौके कैसे इसके ऊपर रखे हुए हैं, और वहाँ से जलता है और आँच यहाँ तक आती है, यहाँ तक, वहाँ तक, ये देखिए वो है, इसके सब चारों तरफ भूल भुलैया सी बनी हुई है और ऊपर आँच आती है, आग जलती है, तो रास्ता अंदर जाने का होता है, कोयले जलाए जाते हैं, भट्टे को जलाया जाता है, और यहाँ पर आँच से ये चौके सहरे बनते हैं और रखे हुए हैं, इसकी सफाई हो रही है, दोबारा से खुलेगा, मैं सब दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए यहाँ पर ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी इसके भट्टे को जलाने के लिए, यहाँ पर देखिए जो मेन बात है भाई, मेन बात ये चौके देखो, ये रखे, ये सारे चौके रखे हैं, वहाँ मजदूर देखो उठा रहे हैं, चौके जमा रहे हैं, टैली जमा रहे हैं, मतलब पूरा वो बना के टामा जो बनाते हैं, टामा बना रहे हैं, और ये देखो ये चौके रखे हैं लाइन बारी से, वहाँ से जलती है और आग यहाँ तक आती है भाई, ये लगा तब चौके बनते हैं। तो एक बार और दिखा देता हूँ यहाँ से घुमा के, ये देखिए वहाँ से घूम के यहाँ तक चौके ही चौके हर जगह भाई, दाएं बाएं चौके ही चौके हैं, चौकों का बाजार है भाई यहाँ पे, जो भट्टा और ये चिमनी होती है। तो यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कमेंट में बताना कि चौके अच्छे लगे, मज़ा आया ब्लॉग में, तो और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।